हाय गाइस, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशन। मेरा नाम अनिल और आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं मटेरियल टेक्नोलॉजी का एक और टॉपिक। और इस टॉपिक का आज का हमारा टॉपिक है फ्रैंक रीड सोर्स। ये आपके पहले मॉड्यूल का एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं इसको वापस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्रैंक रीड सोर्स होता क्या है। ठीक है, तो फ्रैंक रीड सोर्स इज अ मैकेनिज्म बेस्ड ऑन डिसलोकेशन मल्टीप्लीकेशन इन अ स्लिप प्लेन अंडर शियर स्ट्रेस। अब बहुत बड़ा दिख रहा है, अब इसका मतलब क्या हम लोग पहले समझते हैं। मैकेनिज्म बेस्ड ऑन डिसलोकेशन मल्टीप्लीकेशन मतलब डिसलोकेशन बढ़ना, उसका मैकेनिज्म वो कैसे बढ़ता है। इन अ स्लिप प्लेन, एक स्लिप प्लेन में शियर स्ट्रेस जब एक्सपीरियंस करता है तब वो कैसे बढ़ता है वो देखेंगे हम। अब उसका एक टोटल फोर्स उस पर जो लगेगा वो शियर फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पे है, टाउ इंटू बी एक्स। तो जहां पर टाव हमारा शियर स्ट्रेस है, ये हमारा पोजर वेक्टर बी, और ए और बी, डिस्टेंस बिटवीन ए और बी, समझो ये हमारा डिसलोकेशन है। एच डिसलोकेशन में हम लोग ने इसका एक टाइप देखा था, जैसे एच डिसलोकेशन में आपको दिखेगा ऐसा कुछ, टूटने पे कुछ ऐसा दिखता है, डिसलोकेशन होने पे सॉरी कुछ ऐसा दिखता है। तो समझो ये हमारा एक डिसलोकेशन है, एक्स इसका लेंथ है। ठीक है, तो वो कैसे आगे बढ़ता है हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बात उसका फर्स्ट है ए और बी, ये है हमारा लाइन ऑफ टेंशन बोलते हैं हम लोग इसको। चलो ठीक है, यहां से हमारा डिसलोकेशन स्टार्ट होता है, तो ये हमारा लाइन ऑफ टेंशन। टूटने के पहले चीजें टेंशन में आती है, वैसे ये है हमारा लाइन ऑफ टेंशन। ठीक है, सबसे पहली बात इसको एक परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, यहाँ पे मैंने मार्क किया है, वो परपेंडिकुलर फोर्स लगता है यहाँ पे टाउ बी एक्स। ठीक है, अपोज बाय लाइन ऑफ टेंशन, लाइन ऑफ टेंशन क्या है हमारा ए और बी, और इसको क्या लगता है शियर स्ट्रेस। अब इसका शियर स्ट्रेस हमारा कैसे देंगे, जी इंटू बी स्क्वायर, जहां पे जी है हमारा शियर मॉड्यूलस। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये याद रखने वाली बात है कि यहाँ पे हमारा शियर स्ट्रेस जी इंटू बी स्क्वायर होगा। ठीक है, वो था हमारा शियर फोर्स, ये हमारा शियर स्ट्रेस। तो इसके बाद जब हम लोग उसको प्रेशर बढ़ाते जाते और जब वो टाउ टाउ मैक्स पे आता है तो जी बी अपॉन आर उसका फॉर्मूला बनता है। आर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, समझो ये है इसका आर, ये आर रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने फोर्सेस लगाया इसको, ये अलग अलग हुआ और ये बाविंग आउट होता है, बाविंग आउट ऑफ सेगमेंट। बाविंग आउट ऑफ सेगमेंट का मतलब यहाँ पे जो स्ट्रेट है, समझो ये ए है और ये बी है, वो बेंड होते जाता है यहाँ से। ठीक है, और इसके बाद ये फॉर्म होने के बाद अगर हम लोग ने इसको और थोड़ा प्रेशर दिया तो उसका मोशन हो जाता है ऑटोमेटिक और क्विक, और जैसे आप जितना बढ़ाते जाओगे स्ट्रेस उतना उतना उसका इंक्रीज होता जाएगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आप उसको कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे और वो है ये पॉइंट। ठीक है, वो सेमी सर्कल हमारा बेंड होके अंदर आने लगते हैं, अंदर आके ये यहां पे आ जाते हैं जहां पे एक सरफेस बनाता है और यहां से भी फोर्स इसको एग्जर्ट होता है। ठीक है, फोर्स हम लोग ने थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाया तो हाइयर स्ट्रेस, फर्दर बाविंग आउट मतलब ये अंदर जा रहा है तो फर्दर बाविंग आउट, और ये है हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये है हमारा थर्ड स्टेप। यहाँ पे ये अजीब सा फिगर, यहाँ पे जहां पे हमारा स्ट्रेट लाइन था वो अब यहां पे आ गया है। ठीक है, इसको बेंड करते करते या प्रेशर देते देते हम लोग ने इसको ऐसा बना लिया। इसके बाद क्या होता है हम लोग देखते हैं, इसके बाद होता है ये। अब ये थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन इसका जो स्टार्टिंग का है वो मैं आपको अब बताता हूं, ये है इसका एंड पॉइंट, इसका स्टार्ट पॉइंट। इसके पहले का जो हम लोग का स्टेप था वो कुछ ऐसा था। ठीक है, वो ऐसा बेंड हुआ था। ठीक है, अब वो थोड़ा ज्यादा बेंड होता है तो ये अंदर तक आता है। ठीक है, तो हम लोग इसको यहां तक लेके आते हैं, ये कांटेक्ट में नहीं है अभी। ठीक है, ऑलमोस्ट टच है। फिर इसके लाइन वेक्टर्स हैव अपोजिट साइंस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनेगा, समझो जब जब ये कांटेक्ट में आएगा तो उसके लाइन वेक्टर्स अपोजिट में होते और उसके बर्जर वेक्टर के डायरेक्शन भी अलग होते। ठीक है, और सेगमेंट्स इन कॉन्टैक्ट विथ एनाइलेट ईच अदर, इसका मतलब क्या है, जब ये कॉन्टैक्ट में आएंगे, जब ये और नजदीक नजदीक आते जाएंगे, समझो ये और बेंड हो गया, ये और अंदर आता गया और ये दोनों फाइनली यहां पे आके कुछ टच हो जाएंगे। तो मैं अगर एक और डायग्राम समझो यहां पे बना लेता हूं। ठीक है, यहां पे और ये कुछ ऐसा, समझो यहां पे टच हो गया तो यहां पे डिस्ट्रक्शन होगा, ये यहां से टूट जाएगा और वो कुछ ये फॉर्म करेगा, जैसे कि ये है हमारा नेक्स्ट स्टेप, फिफ्थ स्टेप। अब यहां पे वो अटैच हो गया यहां से, जैसे मैंने आपको बताया था
ये यहां से टूटेगा, करेक्ट। तो यहां से टूटा ये, कुछ ऐसा बना, ठीक है। यहां पे मैंने बनाया हुआ है, पहले ऐसा था, फिर कॉन्टैक्ट में आया, फिर टूटा, और ये जो चीज है वो हो जाती है स्ट्रेट, इमिजिएटली आफ्टर कॉन्टैक्ट वाला इमेज है, ठीक है। और टोटली अनस्टेबल है, फॉर्म्स अ स्ट्रेट सेगमेंट, यहां से ये स्ट्रेट सेगमेंट बनाता है एंड फॉर्म्स अ नाइस डिसलोकेशन लूप। अब इसके अंदर का जो पार्ट है वो एक स्ट्रेट सेगमेंट बनाएगा, लेकिन इसका जो बाहर का जो लूप है वो धीरे 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 करके स्ट्रेट होता जाएगा, और ये अंदर का पार्ट स्ट्रेट होगा, ठीक है। ये ही है हमारा नेक्स्ट और फाइनल स्टेप, ये हमारा नेक्स्ट और फाइनल स्टेप, करेक्ट। समझो ये हमारे सरफेस है और ये हमारा लेविद है इसका, तो यहां से लेके यहां तक ये डिसलोकेट होते जाता है, ये स्टेबल कॉन्फिगरेशन है। ये लूप पूरे इसमें, पूरे मटेरियल में फैलने के लिए इसको फ्री है, और यहां से जो ये सेंटर का लाइन बनता है उससे आगे और लूप बनते जाते हैं और डिसलोकेशन मल्टीप्लाई होता रहता है। तो यही था फ्रैंक रीड सोर्स गाइस। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज इसको कमेंट सेक्शन में पूछना। थैंक यू।